दोस्तों अगर आप भी दिनेश कार्तिक और धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैच तो हार गई आरसीबी की टीम, लेकिन दिनेश कार्तिक की पारी दिल जीत ले गई। दिनेश कार्तिक ने अपनी टीम के लिए मात्र 35 गेंदों में 83 रन जड़े और इतनी धाकड़। वह शानदार इनिंग के बाद दोस्तों जब दिनेश कार्तिक का बयान लिया गया ना, तो वो ना सिर्फ रो पड़े लेकिन अपने बयान में जाते जाते विराट कोहली के लिए कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, इतने बड़े मैच में हारने के बाद और ऐसी शानदार यादगार पारी खेलने के बाद दिनेश कार्तिक ने जो अपने बयान में कहा वो सुनकर ना आप भी भावुक हो जाएंगे। आज कार्तिक के बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी इनकी पारी को 10 में से आज कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 क्या कुछ नहीं दिखा रहा। आपको बता दें कि एसआरएच की टीम ने मुंबई की जो हजामत की थी ना, आज कुछ वैसे ही आरसीबी के साथ किया, बल्कि उनसे भी ज्यादा बदतर हाल इनका कर डाला। आज एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, जिसमें आरसीबी की टीम को सबसे तगड़ा माना जाता है, उसी मैदान में घुसकर दोस्तों एसआरएच की टीम ने इनके होश उड़ा कर रख दिए और परखच्चे भी। एसआरएच की टीम के दोस्तों आंकड़े इतने ज्यादा हैं कि गिनने बैठ जाएं तो गणित की किताब कम पड़ जाए। अभिषेक शर्मा 22 गेंद में 34 रन, ट्रेविस हेड 41 गेंदे 8 छक्के 9 चौके 102 रन की घातक पारी, क्लासेन 31 गेंदों में 67 रन, 17 में 32 मार्क्रम, अब्दुल समद 10 में 37 रन यानी कि 287 रन बन गए और 288 का टारगेट दिया गया। ये दोस्तों आईपीएल के इतिहास में बना अब तक का सबसे बड़ा टारगेट है। इसे चेज करने के लिए दोस्तों वैसे ही किसी भी टीम को बहुत जिगर चाहिए। खैर आरसीबी की टीम अपने घर में खेल रही थी, थोड़ी बहुत हिम्मत लेकर मैदान में उतरी, जिसके बाद दोस्तों विराट कोहली के हमें 42 रन दिखे। फाफ डुप्लेसिस ने भी 28 में 62 रन लगाकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन फिर भी ये टीम ना 121 पर 4 पर पहुंच गई थी इनके आउट होने के बाद। यानी कि टीम हिल चुकी थी, हार चुकी थी, लेकिन हार बिना लड़े नहीं मिली। लेकिन केवल एक ही खिलाड़ी ने लड़ाई लड़ी, उसका नाम है दिनेश कार्तिक। 35 गेंदों में 7 छक्के 5 चौके और 237 के स्ट्राइक रेट से 83 रन की ताबड़तोड़ पारी दोस्तों आज इन्होंने खेली। इनकी इसी शानदार पारी के बाद हर कोई खड़े होकर इनके लिए तालियां बजा रहा था, क्योंकि दोस्तों ये पारी नहीं बनती तो 262 का स्कोर आरसीबी नहीं बनाता और महज 25 रन से इस मैच को नहीं हारता। दोस्तों सोचने वाली बात है, 288 का टारगेट और 25 रन से ही बस हारना अपने आप में बहुत शान वाली बात है। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ मुमकिन कार्तिक की वजह से हुआ। और हार के बाद जब उनकी पारी के बारे में पूछा गया तो हंसते हुए दोस्तों जवाब देते हुए दिनेश कार्तिक ने कहा, केवल आरसीबी नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में अगर किसी भी टीम के खिलाफ 287 रन बनेंगे तो जाहिर सी बात है बल्लेबाजों को थोड़ा बहुत डर तो लगेगा ही, लेकिन डर तब लगेगा जब आपके पास खोने को कुछ हो। इस मैच में तो आपके पास खोने को कुछ नहीं था, बस पाने को ही था। और मैं नहीं चाहता था कि आरसीबी की टीम लूजर्स की तरह हारे। हम लड़ सकते हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, ये हमारा मैदान है, तो भला हम क्यों रो पीट कर हारे। मुझे बल्लेबाजी करने का मौका मिला, आरसीबी के लिए खेलना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जीत और हार बाद की बात है। बस यही सोचकर मैं बल्लेबाजी करता चला गया और थोड़ा बहुत लक भी फेवर कर गया, जिसके चलते आज मैं पारी खेल पाया। लेकिन सही मायने में बताऊं ना तो ये पारी मैं आज समर्पित करना चाहूंगा हमारे पूर्व कप्तान विराट कोहली को। लिटरली उन्होंने हमारी टीम के लिए सीजन में जितनी मेहनत करी है उतनी शायद कप्तान या बाकी खिलाड़ियों ने बिल्कुल भी नहीं की होगी। उनकी वजह से ही हमारी थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है और शायद इसीलिए मैं ये पारी भी खेल पाया उनके लिए आज। उम्मीद है मेरी पारी से आरसीबी के फैंस को थोड़ा बहुत सुकून जरूर मिला होगा। अगले मैच में जीत कर आप सबका दिल फिर से जीतेंगे। दोस्तों दिनेश कार्तिक का बयान वाकई में भावुक कर देने वाला है। इतनी शानदार पारी आरसीबी का कोई और एक खिलाड़ी खेलता तो ये मैच भी वो जीत सकते थे और इतिहास भी रच सकते थे। लेकिन आप सभी कार्तिक की पारी, उनके बयान को 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद से बुरी तरीके से हारने के बाद ना विराट कोहली का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अपनी टीम की गेंदबाजी पर पहली बार भड़कते हुए विराट कोहली ने इसे सबसे घटिया टीम और आरसीबी की सबसे घटिया गेंदबाजी बताते हुए हार के बाद जो कहा है ना वो सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। आखिरकार दोस्तों आईपीएल के इतिहास में सबसे बुरी हार मिलने के बाद आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपने बयान में क्या कहा, उनका होश उड़ा देने वाले बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या बस बहुत हुआ, क्या विराट कोहली को अब किसी दूसरी फ्रेंचाइजी में चले जाना चाहिए? आपका जवाब हाँ या ना नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 में हर दिन इतिहास रचा जा रहा है, लेकिन हर दिन एक ही टीम इतिहास रचेगी तो कहीं ना कहीं दूसरी टीमों पर तो सवाल उठेंगे ही, और इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल आरसीबी की टीम पर है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि आरसीबी की टीम वैसे ही पॉइंट टेबल में सबसे नीचे थी, लेकिन अब जो फटका उन्हें लगा है ना, उससे तो वो लगता है कि किसी भी सीजन में उबर नहीं पाएंगे। इस सीजन में दोस्तों एसआरएच की टीम ने मुंबई के खिलाफ 277 रन लगाए थे। खैर उस रिकॉर्ड को टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, चंद ही मैच हुए और एसआरएच ने आज इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। रिकॉर्ड को तोड़ा आरसीबी की टीम के खिलाफ, वो भी उनके ग्राउंड में, यानी कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जिसमें आरसीबी की टीम की जीत फेमस है, उसी ग्राउंड में उनके घमंड को तोड़ते हुए आज दोस्तों एसआरएच ने कमाल कर दिया। एसआरएच की तरफ से दोस्तों अभिषेक शर्मा 34 बनाते हैं, ट्रेविस हेड 41 में 102, क्लासेन 31 में 67, अब्दुल समद 10 में 37 और मार्करम 17 में 32, टोटल बनता है 287, यानी कि 200 पिछले हाईएस्ट स्कोर से अपने 10 रन ज्यादा। 288 का टारगेट चेज हो सकता है या नहीं, ये वाकई में एक मजाक लगता है, क्योंकि कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, उस टीम का मनोबल जरूर टूटा पाएगा जो 288 चेज करने का सपना देखेगी। हालांकि दोस्तों चेज करते वक्त भी ना विराट कोहली ने अपनी जी जान एक कर दी, 20 बॉल में 42 रन बनाए, 5 डुप्लेसिस भी 28 में 62 रन बनाकर गए, लेकिन इस टूटी हुई आरसीबी की टीम के केवल 141 रन बनाई थे कि 5 विकेट इनके हो चुके थे और ये इस मैच को बहुत बड़े मार्जिन से हारने वाले थे। दोस्तों इतनी बुरी हार के बाद ना विराट कोहली का गुस्सा अब पूरी तरीके से फूट चुका है, वो बरस चुके हैं अपने गेंदबाजों पे। पहली बार क्या कुछ कह गए हैं विराट दोस्तों भड़कते हुए, चलिए आपको उनका बयान दिखाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अपनी टीम के इतने घटिया प्रदर्शन पर, इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनवाने पर विराट ने गुस्से में कहा, इस वक्त पर मुझे लग रहा है कि आरसीबी की टीम से खेलना मेरे करियर की सबसे बड़ी गलती है। एक टीम का मतलब होता है कि एक टीम की तरह आपको परफॉर्म करना है, जीतना है, लड़ना है, लेकिन यहाँ पर केवल एक दो खिलाड़ियों को छोड़कर कोई भी टीम के लिए सीरियस नहीं है। शायद इसीलिए जब रन बन रहे थे तब सबको दिख रहा था कि हाईएस्ट स्कोर तक बन सकता है, एटलीस्ट हमें थोड़ा कम स्कोर तो बनवाना चाहिए, विकेट्स तो लेने चाहिए, लेकिन गेंदबाजी इतनी ज़्यादा घटिया है कि मुझे तो लगता है कि खिलाड़ियों को दोबारा टीम से बाहर निकाल कर अब हमें रीअपॉइंट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आरसीबी की टीम में अब पहले वाला दम बचा है, और ये टीम इस टूर्नामेंट में तो छोड़िए, ऐसी घटिया गेंदबाजी के साथ तो ये किसी भी साल के किसी भी सीजन में जीतना तो बहुत दूर की बात, एसआरएच जैसी टीम से लड़ भिड़ कर जीत जाए वही बहुत बड़ी बात होगी। एक बार फिर से आरसीबी के फैन से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं आज कि गेंदबाजों के चलते हमें हर मैच में आपके आगे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। इस सीजन के शुरू होने से पहले मैंने अपने फैंस को कहा था ये एक नया दौर होगा, लेकिन ये सबसे घटिया दौर हो जाएगा, मुझे ये नहीं पता था। ये सारा कसूर इन गेंदबाजों का है, इनको अपनी गेंदबाजी पर काम करना होगा, वरना आरसीबी में इनकी कोई जगह नहीं। दोस्तों विराट कोहली हार के बाद बुरी तरीके से भड़के हैं और बनता भी है उनका भड़कना। वैसे आप सभी को क्या लगता है आरसीबी के कौन से सबसे घटिया गेंदबाज की वजह से आरसीबी हार रही है, नीचे कमेंट कर बताइएगा उसका नाम। दोस्तों आरसीबी के घर में घुसकर भारत को विश्व कप हराने वाले ट्रेविस हेड ने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया ना कि कोहली का भी खून खौल उठा। आखिरकार कैसे पैट कमिंस की फौज ने इस बार बेंगलोर के घर में धावा बोलकर बुरे हाल कर दिए उनके गेंदबाजों के। बैक टू बैक चौके व छक्के जड़े और बना डाला आईपीएल के इतिहास का एक और बड़ा स्कोर। दोस्तों इनके इस खतरनाक शतक को देखकर कोहली भी कैसे गुस्सा हुए, उनके शतक और इस पूरे वाक्य का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, क्या अब विराट कोहली को आरसीबी की टीम को छोड़ देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 का आज एक और नया दिन है, लेकिन आरसीबी के लिए वही सब कुछ पुराना। पहले मैदान में आओ, प्रैक्टिस करने का बहाना करो और फिर मैच में हारने वाला प्रदर्शन भी करो। एसआरएच की टीम ने तो दोस्तों मानो कसम खाई है कि आईपीएल के सारे बड़े स्कोर अपने नाम ही करेगी, और जैसा कि वो पहले करते आए हैं वैसा ही कुछ आज उन्होंने आरसीबी के खिलाफ किया, और इस बार तो उन्हें धून कर रख दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी करी है ट्रेविस हेड ने, हेंड्रिक्स क्लासेन ने, कि देखने वालों की रूह कांप उठी है। आपको बता दें दोस्तों कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की टीम के कप्तान फाफ डुप्लेसिस टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनते हैं, और वही घिसी पिटी गेंदबाजी एक बार फिर से आरसीबी की धज्जिया उड़वाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों इससे पहले कि मैच शुरू होता, इससे पहले ही चौके छक्के लगने शुरू हो चुके थे। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ना जाने कौन सा चूरन आज मैदान में खाकर आए थे कि इन्होंने आरसीबी के खिलाड़ियों की धज्जिया उड़ा कर रख दी। 22 गेंदों में 154 का स्ट्राइकर तो दोस्तों अभिषेक शर्मा का था, 2 छक्के 2 चौके और 34 रन, लेकिन ट्रेविस हेड के आंकड़े आप सुनेंगे ना तो दिल धक धक करने लगेगा 100 की स्पीड से। 248 का स्ट्राइक रेट, 8 छक्के 9 चौके और 102 रन की ताबड़तोड़ पारी, ये दोस्तों फास्टेस्ट शतक बना एसआरएच की तरफ से आईपीएल के इतिहास में।
इस खिलाड़ी का नाम जब भी सामने आता दोस्तों सबको 19 नवंबर की याद आ जाती है, क्योंकि 19 नवंबर को वर्ल्ड कप हराने वाले भारत को यही थे।